हाँ जी, तो आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, आज हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होते हैं आपके, जो एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा टाइप की सेल से बने होते हैं। ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा था, जो सिंपल टिश्यू है उसमें जो सारी सेल होती हैं वो देखने में एक जैसी होती हैं और काम भी एक करती हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यू वो टिश्यू होता है जिसमें जो सेल हैं वो देखने में एक जैसी नहीं होती, अलग अलग टाइप की होती हैं, लेकिन फंक्शन उनका एक ही होता है। ठीक है, मिलके वो एक ही काम करती हैं, तो इस प्रकार के टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, और इसके आपके दो एग्जाम्पल हैं, एक तो है आपका जाइलम और दूसरा है फ्लोयम। ये दोनों आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, और जी इनको हम कंडक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं, क्योंकि जो इनका फंक्शन है वो कंडक्शन है। कंडक्शन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट, लेकर जाना, कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना मींस कंडक्शन। तो दोनों का ही रोल कंडक्शन का है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है, और ये आपके, तो ये तो यहाँ पे तो आपकी ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू की डेफिनेशन हो गई। एक मिनट, थोड़ा बड़ा, हाँ अब ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी कॉम्प्लेक्स टिश्यू की डेफिनेशन। दी कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। तो ऐसे टिश्यू को तो हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल हो गए आपके जाइलम और फ्लोयम, और इन दोनों को हम और क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। और ये दोनों इकट्ठे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वेस्कुलर बंडल में। ठीक है, ये आपके वेस्कुलर बंडल हैं। तो वेस्कुलर बंडल में ये तो हो गया आपका जाइलम, और नीचे की तरफ आपका हो गया फ्लोयम। तो ये दोनों टिश्यू इकट्ठे इसमें प्रेजेंट होते हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं वेस्कुलर बंडल या फिर वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका, अब इन दोनों के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका है जाइलम टिश्यू। ठीक, जाइलम, तो ये है आपका जाइलम टिश्यू। तो इसमें जो आपका जाइलम है ये आपका चार टाइप की सेल से मिलकर बनता है, फोर टाइप्स। क्या क्या हैं इन चारों के नाम, ट्रैकीड्स, वेजल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। ठीक है, तो ये चार टिश्यू आपके कौन से हैं, एक तो है आपका ट्रैकीड्स, दूसरा है आपका जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, ठीक, और वेजल्स। ठीक है, तो ये चार टाइप की सेल हैं जो जाइलम को मिलके बनाती हैं, और इन चारों का मिलके क्या फंक्शन होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, तो जाइलम का जो मेन फंक्शन है वो है आपका कंडक्शन ऑफ वाटर, यानी कि कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, क्योंकि मिनरल्स पानी में ही घुला होता है, तो इसलिए कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, तो ये जैसे कि आपका प्लांट है, ये आपका प्लांट है, ये नीचे रूट है इसकी। ठीक, तो रूट से वाटर चढ़ता है, रूट के बाद ऊपर जाइलम टिश्यू के द्वारा ऊपर चढ़ता है। ठीक है, तो दिस इज कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ये कौन करता है प्लांट के अंदर, ये करता है आपका जाइलम टिश्यू। और जाइलम टिश्यू कितने प्रकार की सेल का बना होता है, चार प्रकार की सेल का बना होता है। इन चारों के क्या क्या नाम है, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम ट्रैकीड्स एंड जाइलम वेजल्स। और ये आपको यहाँ पे इनके डायग्राम भी दिखाए हुए हैं, ये तो है आपके ट्रैकीड्स, ये हैं वेजल्स, और ये है आपकी जाइलम पैरेन्काइमा। इसमें आपको फाइबर्स नहीं दिखाए हुए हैं, तो फाइबर्स इस तरह की पॉइंटेड स्ट्रक्चर होती हैं, बिल्कुल नुकीली। ठीक है, जो वेजल्स होते हैं ये डायामीटर में चौड़े होते हैं, ये आपके वेजल्स होंगे। और ये जो ये गोल गोल स्ट्रक्चर है, ये इनमें पिट्स हैं, छेद हैं, जिनके थ्रू वाटर
ऊपर नीचे या फिर साइड में एक से दूसरे में जाता है। और जो ये आपके ट्रकीड्स होते हैं ये टैपरिंग एंड, ये भी ट्यूब, दोनों ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ट्यूबुलर का मतलब होता है ट्यूब जैसी। तो वेजल्स भी ट्यूबुलर होते हैं लेकिन वेजल्स चौड़े होते हैं, और जो ट्रकीड्स हैं उनके जो एंड होते हैं वो टैपरिंग एंड्स होते हैं। ये इन दोनों का डिफरेंस है। दोनों में पानी का कंडक्शन होता है लेकिन जो ट्रकीड्स हैं वो पतले हैं और टैपरिंग एंड है, और जो वेजल्स हैं वो आपके ज़्यादा चौड़े होते हैं, ठीक है। और दोनों में क्या पाए जाते हैं, पिट पाए जाते हैं। पिट मतलब छोटे छोटे छेद। इसके अलावा जाइलम पैरेन्काइमा है, ठीक। इसका तो इन दोनों का फंक्शन तो वही है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। किसका, ट्रकीड्स और वेजल्स का। लेकिन जो जाइलम पैरेन्काइमा है इसका फंक्शन वही है जो आपने पैरेन्काइमा का पढ़ा था, स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ फूड। ये इनके साथ होती है, फूड स्टोर करके रखती है, ठीक है। और तीसरे होते हैं आपके फाइबर्स, ये पतले पतले होते हैं, बहुत ही पॉइंटेड और पतले पतले। तो इनका काम होता है टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है, इसको मजबूत बनाना, टिश्यू को स्ट्रेंथ देना। तो ये चारों मिलके आपका क्या बनाते हैं, जाइलम टिश्यू बनाते हैं। और मेन फंक्शन इसका क्या है, कंडक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। और एक बात और, जो ये हैं आपके ट्रकीड्स, वेजल्स और फाइबर्स, ये तीनों तो आपकी डेड स्ट्रक्चर हैं एट मैच्योरिटी, ठीक है। बनते ये भी मेरिस्मेटिक टिश्यू हैं, स्टार्टिंग में ये अलाइव टिश्यू होते हैं लेकिन जैसे जैसे ये मैच्योर होते जाते हैं तो दे बिकम्स डेड एट मैच्योरिटी। केवल इसमें पैरेन्काइमा ऐसा टिश्यू होता है जो कि लिविंग होता है, बाकी तीनों आपके डेड होते हैं एट मैच्योरिटी। तो ये तो हो गया हमारा जाइलम के बारे में। नेक्स्ट है आपका फ्लोएम टिश्यू। तो ये जो ग्रीन कलर में आपका दिखाया हुआ है ये है आपका फ्लोएम टिश्यू। तो इसका फंक्शन भी कंडक्शन होता है लेकिन ये क्या कंडक्ट करता है, फूड, ठीक है। अब ये इस तरीके से आपका पौधा है, ये उसमें एक पत्ती में दिखा रही हूँ। तो पत्तियाँ क्या करती हैं, खाना बनाती हैं, फोटोसिंथेसिस होती हैं, फूड फैक्ट्री कहलाती हैं। अब ये खाना बाकी सारे पार्ट्सों में जाता है, नीचे स्टेम में, तने में, रूट्स में, और ऊपर फ्लावर हैं, फ्रूट्स हैं उनमें, ब्रांचेज में, ठीक है। तो इस खाने को पत्ती से बाकी सारे पार्ट में कौन लेके जाता है, यस फ्लोएम, फ्लोएम टिश्यू लेके जाता है, ठीक है। तो इसका क्या काम है, फूड को लेकर जाना पत्तियों से बाकी उसके पार्टों में। तो ये भी आपकी कितने टाइप की सेल से बने होते हैं, ये आपके पांच टाइप की सेलों से बने हुए हैं, फाइव टाइप्स। कौन सी हैं ये पांच टाइप की सेल, सीव सेल्स, यहाँ पे देखियो ये दिखाई हुई है सारी आपकी, सीव ट्यूब, सीव ट्यूब, ये सीव प्लेट है। सीव प्लेट एक्चुअली में क्या है, छेद हैं जिनके बीच में से इस तरीके से ये फूड ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। ये जो वाइट कलर की हैं ये आपकी सीव ट्यूब है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, यानी कि ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है अंदर से खाली, ठीक है। इसके बराबर में जो साइड में ये कंपेनियन सेल कहलाती है, कंपेनियन सेल यानी साथ में है ये सेल, ठीक। और ये है फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। तो सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम, फाइबर्स इसमें नहीं दिखाए हुए हैं। फाइबर्स कोई भी हों, चाहे जाइलम के हों चाहे फ्लोएम के हों, दे आर ऑलवेज लाइक पॉइंटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें फाइबर्स भी होते हैं। सीव ट्यूब, मेन जो आप नाम याद रखोगे वो ये है सीव ट्यूब, सीव प्लेट को चाहे रहने देना, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम फाइबर्स। तो ये चारों टिश्यू मिलके आपका क्या बनाते हैं, फ्लोएम टिश्यू बनाते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है, कंडक्शन ऑफ फूड या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम द लीफ टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। और इसमें उल्टा है, जाइलम में तो क्या था, ज़्यादातर टिश्यू डेड था, केवल पैरेन्काइमा लिविंग थी। इसमें बिल्कुल उल्टा है, जो फाइबर है वो केवल डेड है, बाकी जो तीनों चीज़ें हैं दे आर लिविंग टिश्यू, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है वो ये होता है, एक तो डिफरेंस पूछा जाता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो दोनों में आप डिफरेंस लिख सकते हो, फ्लोएम और जाइलम में,
तो इसमें आपका ज़्यादातर जो पार्ट है वो डेड होता है, आउट ऑफ 4 सेल 3 are dead 1 is living, इसमें जो ज़्यादातर पार्ट है वो आपका लिविंग होता है, ठीक है। इसका जो फंक्शन है वो कंडक्शन ऑफ वाटर है, और इसका जो फंक्शन है वो कंडक्शन ऑफ फूड है। इसमें जो डायरेक्शन है वो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट है, क्योंकि जो पानी है उसकी एक ही डायरेक्शन है यहाँ पे, रूट से ऊपर की तरफ, ठीक है। लेकिन इसमें जो डायरेक्शन है वो बाई डायरेक्शनल है, जो फूड होता है वो ऊपर की तरफ भी जाता है, जैसे ये पत्ती है तो ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, तो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, जबकि जाइलम में यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसके फंक्शन हो जाएंगे। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनता है कि डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स टिश्यू एंड सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स और सिंपल के बीच में डिफरेंस बताओ। तो सिंपल वो होते हैं जो कि एक ही प्रकार के वन टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जो मैनी टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं। इसके एग्जांपल आपके 3 हैं जो हमने पढ़े थे, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। इसके आपके 2 एग्जांपल हैं जाइलम और फ्लोयम, ठीक है। ये एक ही फंक्शन करते हैं, मतलब एक ही फंक्शन होता इसमें, इनका मेन फंक्शन क्या है, कंडक्शन होता है। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस पूछा जा सकता है। बाकी शॉर्ट में आपके ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई नेम दी कॉम्प्लेक्स टिश्यू, तो आपके जाइलम और फ्लोयम कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं, ठीक है। जाइलम कितनी प्रकार की सेल का बना होता है, उन चारों के नाम, ठीक है। तो जाइलम इज़ मेड अप ऑफ 4 type of cell, ट्रकीट्स, वेजल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स, ठीक है। ऐसे ही फ्लोयम कितनी टाइप की सेल से बना हुआ है, 5 type की सेल से बना हुआ है, उनके नाम, ठीक है। तो इसमें फ्लोयम पैरेन्काइमा, फ्लोयम फाइबर्स और जी सीव सेल्स, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल, ठीक। तो ये आपके इसमें मेन क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। तो आज हम यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं।